और आगे ना भीषण जंगल है घनघोर, पहले उसमें चलेंगे जंगल में, और जंगल से होते हुए ऐसे नीचे उतर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इन पहाड़ के खूबसूरत वादियों से। और ये जो सामने जो आप देख रहे हैं ना पहाड़ और उस पर से नीला आसमान, इसको आप जितनी बार भी देखें उतना कम पड़ जाएगा, इतना खूबसूरत और इतना शानदार दृश्य है। और हम तो इन जगहों को देख करके खुश होते हैं और रोज़ाना कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। आज फिर हम निकल रहे हैं और बहुत ही साइलेंट ये हमारा टूर रहेगा आज का, क्योंकि जब हम इस शांति वाली जगह पे चलते हैं तो कई बार हमें पैरों से जो आवाज़ निकलती है उसको भी सुनना ज़रूरी। ये जो खूबसूरत वादियाँ हैं और उसमें ये हमारा एक गुलाब का पौधा है, बारहों महीना गुलाब के फूल इसमें खिलते हैं, अनगिनत लाल लाल फूल। और जब इसको हम पीछे से कैमरे से इसका दृश्य को कैद करते हैं तो सामने ये नीला आसमान, लाल गुलाब और हरी हरी वादियाँ, सब एक अलग ही मिश्रण बनता है। और इस मिश्रण को आप जितनी देर निहारते रहें, अगर लेकिन प्रकृति से प्रेम है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत कुछ अलग ही दिखेगा। और ये इतना खूबसूरत जगह है, इतना शांति है, इतना वातावरण अच्छा है, शुद्ध हवा है, हर तरफ खुशहाली है। आइए थोड़ा निकलते हैं आगे जंगल की तरफ। वहाँ चलेंगे दूर जंगल में, वहाँ से नींबू लेके आएंगे। ये पकड़ो जरा, वहाँ चल रहे हैं नींबू नींबू तोड़ने के लिए। मम्मी बोली थी ना नींबू लेके आना, वो तो जरूरी है थोड़ा। और आगे ना भीषण जंगल है घनघोर, पहले उसमें चलेंगे जंगल में, और जंगल से होते हुए ऐसे नीचे उतर जाएंगे। वो खाएंगे अखरोट? अखरोट अभी कच्चे हैं। अच्छा, वो जो था सुबह जो खाए थे हम लोग, वो फ्रूट वो मैंने खा लिए, अभी पेट भरा हुआ है। ये क्यों रखा है? ये सूख जाएगा तो इसको जलाने काम आएगा, जब बर्फ पड़ती है ना यहाँ पे। हाँ, बर्फ पड़ती है तब ये काम आएगा। अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया हमारा। पत्तों के नीचे तो जरा रुकना, क्या स्लिप हो रहा है? मैं साइड साइड जा रहा हूँ। ये कहाँ आ गए?
अरे बाबा, और इस साल चप्पल पहन के मैं आ गया और स्लिप कर रहा है। ये पत्ते हैं ना, ये खतरनाक है, ये स्लिप कर जा रहे हैं। देखो यहाँ से पानी जब ऊपर से आता है ना, पानी जब आता है ना ऊपर से पानी इकट्ठा हो जाता है। देखो इधर, देखो इधर वो बहता है वो। अच्छा ये पानी का रास्ता है, पानी का रास्ता ऊपर तार बन जाती है। तब आता है, देखो ये सब कुछ तार बना रखा है। तो पानी का रास्ता है ये पूरा जंगल। अच्छा ये पहाड़ों से पानी आ जाता होगा। नींबू का पेड़ आने वाला है। ये जंगल कितना खतरनाक है, ये पानी का रास्ता है। अच्छा ये बनाया गया है सरकार के द्वारा, खुद ही बना देते हैं ऐसे पत्थर। और लगता है नींबू का पेड़ हमारा आ गया। एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है यहाँ पे। ये घर किसको दिया जाएगा, राहुल को चाहे झुन्ना को? इधर पम्मी के लिए अच्छा रहेगा, पम्मी यहाँ सन्यासी बन जाएंगे यहाँ घर में। ये देखिए सुंदर सा घर, और यहीं पे नींबू तोड़ के अचार लगाएंगे। वाह आ गए नींबू पे, कितना नींबू आप तोड़ना आराम से। और हम भी तोड़ेंगे, कितने नींबू हुए। ये तो तोड़ते नहीं है ना, यहाँ पे ऐसी पर लट के रह जाएंगे ये। कोई इसको लेने वाला नहीं है, बताओ कट गया। हम लोग वहां से आए हैं। इसमें तो हैवी कांटे होंगे ना। तोड़ो तोड़ो, टूट जाए तो आप पे बहुत आसानी से टूट गया एक। हाँ कभी कभी लो डालो उसमें, देखो किसी ने आधी काट दिया है। क्या ये नींबू, किसान के बेटा है कोई, ऐसे थोड़े ना।